सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रसल स्ट्रोक पैट मैकएफे वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच में रसलमेनिया 38 के नाइट 2 में हमें पहली बार सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है। तो इस मैच के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार मीट करो तो क्या करो, जाओ जाके सब्सक्राइब करो, इतनी वीडियोज मैं आपके लिए अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए सेलिब वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, आज के रेसलमेनिया 38 के नाइट 2 में, यानी कि आप कह सकते हो कि अभी से कुछ घंटे के बाद जो हमें रेसलमेनिया 38 का नाइट 2 देखने को मिलने वाला है, वहां पे पहली बार हमें पैट मैकएफे वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच में हमें सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि इस वाले रेसलमेनिया में पैट मैकएफे एंड ऑस्टिन थ्योरी का सिंगल्स मैच में आप कह सकते हो कि हमें डेब्यू देखने को मिलने वाला है। इससे पहले रेसलमेनिया 36 में भी ऑस्टिन थ्योरी आते हैं, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी का वो वाला जो चीज़ रहता है वो अच्छा से WWE का काम नहीं करता है। फिर वो NXT में चले जाते हैं और NXT में तो पैट मैकएफे पहले से ही थे। और उसके बाद गाइस क्या होता है, पैट मैकएफे मतलब स्मैकडाउन कमेंट्री टेबल को ज्वाइन करते हैं। फिर उसके बाद हमें कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है, इनकी राइवलरी और बिल्डअप की बात की जाए तो शेन मैकमैन नहीं बल्कि विंस मैकमैन आते हैं पैट मैकएफे के शो में, और वहीं से हमें पता चलता है कि इन दोनों का राइवलरी स्टार्ट हो चुका है पैट मैकएफे एंड ऑस्टिन थ्योरी का। क्योंकि मंडे नाइट रॉ में काफ़ी दिन पहले ही से ही हमें विंस मैकमैन एंड ऑस्टिन थ्योरी का राइवलरी देखने को मिल रहा था, यानी कि हमें सेगमेंट टाइप से दिखाया जा रहा था, और उसी के बाद से ही वाले मैच को WWE अनाउंस करती है। तो पैट मैकएफे वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच में हमें सिंगल्स मैच रेसलमेनिया 38 के नाइट 2 में देखने को मिलने वाला है। और इस मैच के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्या होगा, कौन किसको हराएगा, लेकिन गाइज अभी के लिए मैं और किसी के साथ नहीं बल्कि पैट मैकएफे के साथ जाऊंगा, और पैट मैकएफे इस मैच को जीत सकते हैं और वो हराएंगे ऑस्टिन थ्योरी को। बाकी लेट्स सी, हम लोग देखते हैं इस मैच का क्या रिजल्ट होता है। आपके लिए कमेंट सेक्शन फ्री है, आप मुझे जाकर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है। तो बाय बाय फ्रेंड्स।